फिटनेस फर्स्ट चॉइस इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हेलो दोस्तों, आज हम हैंडस्टैंड के प्रोग्रेशन को बेसिक से स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। वीडियो अंत तक जरूर देखें और इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। आइए तो फिर शुरू करते हैं। हाफ हैंडस्टैंड, वॉल को अपने एक लेग का डिस्टेंस लीजिए। अब अपने दोनों हाथों को शोल्डर लेवल स्ट्रेट जमीन पर रखने की कोशिश कीजिए और अपने लेग को वॉल या किसी ब्लॉक के सपोर्ट लेकर होल्ड करने की कोशिश कीजिए। नौकासन, हैंडस्टैंड प्रैक्टिस करने के पहले नौकासन पोज की प्रैक्टिस हमेशा कीजिए, क्योंकि हैंडस्टैंड करते वक्त हमेशा कोर एंगेज रहने में मदद मिलती है। बकासना, अपने दोनों हाथों को शोल्डर लेवल सीधे रखने की कोशिश कीजिए। अब धीरे धीरे अपने नीज को ऊपर ट्राइसेप्स पर रखने की कोशिश कीजिए और अपने बॉडी का पूरा प्रेशर अपने दोनों हैंड्स पर रखने की कोशिश कीजिए। हैंडस्टैंड इनटू कार्टविल, अब हैंडस्टैंड में होल्ड करने से पहले गिरने से बचने के लिए कार्टविल सीखना जरूरी है, जिसकी वजह से हमें लगने के चांसेस कम हो जाते हैं। वन लेग विथ सपोर्ट, इस प्रोग्रेशन में आप वॉल का भी सपोर्ट ले सकते हैं। एक समय में वन लेग होल्ड करने की कोशिश कीजिए। सपोर्ट ऑफ वन फिंगर, जब आपको कॉन्फिडेंस आ गया कि आप बिना किसी सपोर्ट के हैंडस्टैंड होल्ड कर पाओगे, तो किसी पार्टनर के सपोर्ट से होल्ड कीजिए और धीरे धीरे कोशिश कीजिए कि एक उंगली से सपोर्ट लेने की। अब आप हैंडस्टैंड होल्ड करने के अंतिम पड़ाव में आ गए हो। अब आप हर दिन 50 किकिंग इनटू हैंडस्टैंड कीजिए और कोशिश कीजिए कि हैंडस्टैंड पोजीशन में होल्ड करने की और धीरे 10 सेकेंड हैंडस्टैंड से नीचे आने की। होल्ड सीखने के लिए नॉर्मली 6 महीनों का वक्त लगता है। अगर आप हर दिन प्रैक्टिस कर रहे हो तो कुछ लोग जल्दी भी सीख सकते हैं। अब बात करते हैं हैंडस्टैंड से होने वाले फायदों के बारे में। हैंडस्टैंड के नियमित प्रैक्टिस करने से ब्लड सर्कुलेशन और प्यूरिफिकेशन बढ़ने में मदद मिलती है, हमारे शरीर के कॉन्सेंट्रेशन लेवल इम्प्रूव करने में मदद मिलती है और साथ साथ इम्यून लेवल सुधारने में भी मदद मिलती है। हैंडस्टैंड के नियमित अभ्यास करने से हमारे अपर बॉडी बिल्ड होने में मदद मिलती है, जैसे कि शोल्डर, आर्म्स, रिस्ट, स्पाइन, कोर और नेक के मसल स्ट्रांग होने में मदद मिलती है। हैंडस्टैंड को पॉलीमेट्रिक एक्सरसाइज भी कहा जाता है, मतलब अपने खुद के वेट का इस्तेमाल करके की जाने वाली एक्सरसाइज। अब बात करते हैं सावधानियों के बारे में। हैंडस्टैंड करने के पहले वार्म अप जरूर करें और हैंडस्टैंड करते समय आपका पूरा कॉन्सेंट्रेशन दोनों हाथों के बीच में रखें। शुरुआत के समय में किसी योग्य ट्रेनर के देखरेख में प्रैक्टिस करें। अगर आपको कोई इंजरी हो तो डॉक्टर से कंसल्ट करें। कोई शंका हो तो मुझे नीचे कमेंट करें और इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।